शॉर्मा जो अभी रिसेंटली ना बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग हुआ था उनके मतलब शॉर्मा के लिए, मोमोज के लिए. तो मेनली हम जा रहे हैं उनके शॉर्मा ट्राई करने के लिए. आज हमें जाना तो वैसे पेनफुल था, बट हम वहाँ गए भी थे एंड वो बंद था. मुझे नहीं पता क्यों, और काफी दिन से बंद ही चल रहा है जब मैंने आसपास पूछा. तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं कॉन्सेप्शन में. और वहाँ का मतलब एक्चुअली ना मिक्स लोगों के ओपिनियन है. किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है. कोई तारीफ कर रहा है तो कोई कह रहा है बहुत गंदा है. अब जैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, इसने किया है तो ये कह रहा है कि अच्छा नहीं है, पर लोग कह रहे हैं कि अच्छा है. तो समझ में नहीं आ रहा, बट एक ऑनेस्ट रिव्यू तो देना पड़ेगा अगर इतनी जगह, एक जगह इतनी वायरल हो रही है. तो अभी हम वहीं जा रहे हैं लाजपत नगर कॉन्सेप्ट शॉर्मा, उनका शॉर्मा ट्राई करने और देखने कि क्या उसका टेस्ट अच्छा है या नहीं. तो भाई हम आ चुके हैं कॉन्सेप्ट शॉर्मा, और ये बढ़िया जगह पे मतलब बना हुआ है, एकदम अलग सा ही बना हुआ है. ये आपको दिख जाएगा अगर आप मैप पे डालोगे तो आपको आसानी से कॉन्सेप्ट शॉर्मा मिल जाएगा. ओके गाइस, तो हम आ गए हैं कॉन्सेप्ट शॉर्मा. और ऐसे ना बाहर ही इन्होंने ना मेन्यू लगा रखे हैं, और ऐसे एक ना लाइन सी बना रखी है पता नहीं क्यों. तो ये मेरा आ चुका है चिकन शॉर्मा, और ये एक रोल है खाली. मुझे लगा ऐसे चार आएंगे पर से एक, और ये बहुत छोटा साइज है. तो ये ना हर्षू का पनीर शॉर्मा है, दो पीस. और ये कितने का है? 100 रुपए का. पनीर वाला भी 100 रुपए का था. और देखो सिर्फ 100 रुपए में देख लो दो पीस है. कल टेस्ट करके बताओ कि टेस्ट कैसा है इसका. इससे बढ़िया पनीर शॉर्मा आप अपने घर में बना सकते हो. सीरियसली कुछ नहीं है, पनीर की भुर्जी ऊपर रोटी साथ में मेयोनीज बस. क्योंकि इसकी यार बहुत ज्यादा हाइप है, लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है. फूड ब्लॉगर्स तो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बेस्ट है, बेस्ट है. कुछ बेस्ट नहीं है भाई, बहुत महंगा. तो भाई ये है मेरा शॉर्मा चिकन वाला, एंड इसमें क्रीम है नॉर्मल और मेयोनीज है. ये चटनी है ना एकदम पानी पानी सी है. इसका जो टेस्ट है, ये चिकन शॉर्मा का टेस्ट अच्छा है, मतलब एवरेज है. क्योंकि इसमें ना थोड़े से मसालों की कमी है. शॉर्मा में थोड़े बहुत मसाले होते हैं, पर इसमें इतना ना मसालों की फील नहीं आ रही है. बहुत ही नॉर्मल टेस्ट है. ऊपर से 100 रुपए में दो है, और तिलक नगर चल रहा है 100 रुपए में 5 मिलते हैं आपको. तो इसका प्राइस तो बहुत ज्यादा है. 6 मिलते हैं. सॉरी, टेस्ट एकदम नॉर्मल है, एवरेज है, बट प्राइस इसका बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्राइस है. तो भाई ये जो शॉर्मा है ना, मतलब ठीक है ना, अच्छा टेस्ट नहीं है. अगर जैसे जिस हिसाब से इसकी हाइप बनी हुई है ना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कि सबसे बेस्ट है सबसे, तो इतना खास नहीं है. आप इंस्टाग्राम के उस पर देख के मत जाना. एक तो आपको प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, ऊपर से इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं मिलेगा. आसपास कहीं जाओगे ना तो ज़्यादा आपको अच्छा मिल जाएगा इसका. कि चाप रोल भी एक बार खा के देखेंगे. ये क्वांटिटी है दो पीस 160 रुपए के. सीरियसली इतना महंगा क्या कहना चाहोगे? बहुत ज़्यादा, मतलब दो पीस है खाली 160 रुपए के. मतलब वैसे तो चार पीस तो आते हैं कम से कम. चार पीस तो आते हैं, और क्या बोलते हैं मतलब कि कुछ तो होती है क्वांटिटी. आप 180 कर दो, क्यों भाई? सही बात है, बहुत महंगा. और पतले पतले से रोल है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही छिलका दे दिया हो. ये एकदम छोटा सा है देखो, मतलब यानी क्या दिया है इन्होंने बना के, देखते हैं एक बारी. ओके okay. वाहियात, गंदा भद्दा. मैंने चाप रोल नहीं खाया. एक तो अजीब सा टेस्ट आ रहा है तेल का, ठीक है, जिसमें ये चाप वो योगी फ्राइड, बहुत अजीब सा तेल का टेस्ट आ रहा है. मलाई है, मलाई के अंदर पर मसाला नहीं है. बहुत अजीब है, ये ऐसी चाप है बस सीधी सीधी चाप लगा दी इसमें. हाँ. ठीक है, और सीधी सीधी चाप लगा रखी है, उसके अंदर बीच में थोड़ा सा वो है ग्रीन चटनी, हरी चटनी और प्याज, बस और कुछ नहीं है इसमें रोल में. मैं इसको खा के देखती हूँ कैसा है इसका. मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई टेस्ट नहीं है, जब उबली हुई चाप प्याज में रोल करके दे दिया, कुछ मसाला नहीं है. मतलब ये मलाई चाप रोल है, इसमें थोड़ा सा मलाई क्रीम का तो कुछ आना चाहिए, बट कुछ भी नहीं आ रहा है. बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, नहीं अच्छा नहीं है बिल्कुल. मतलब मैंने ये सोच के मंगाया था कि शायद अच्छा हो सकता है. पहले तो शॉर्मा देख के ऐसी हो गई थी हालत ही भाई, एक ही शॉर्मा. अब रोल सोचिए तो फिर अगर हम टिक्का मंगवाते तो इतनी सी कटोरी में मिलता हमको. नहीं टेस्टी नहीं है भाई, क्वांटिटी नहीं है इनके यहाँ, बस खाली पैसे पैसे है. वही है कि लाजपत नगर देख के पैसे बढ़ा दो.
इनके इसके आसपास में बल्कि यहाँ पे है हंगर स्टैग, इनके आसपास में बल्कि इतने सारे वो है ना क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट्स है कैफेज है, बल्कि इनको तो और अच्छा करना चाहिए पर इन्होंने बिल्कुल वो कर दिया है। एक है लाजपत नगर में हंगर स्ट्राइक, उसके मोमो सबसे बेस्ट है। मैं कभी आओगे ना तो वहाँ के भी कभी वीडियो हम बनाएंगे, वहाँ के मोमो बहुत अच्छे, सुना है मैंने, खाए नहीं मतलब गाइस। तो हमने आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू बता दिया है कॉन्सेप्ट शर्मा का, जो आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई जगह वो खतरनाक है जाना क्योंकि इसको खा के भी ना अजीब सी फीलिंग आ रही है, बिल्कुल ना अच्छा सा नहीं लग रहा। बताऊं तो भूख इतनी लग रही है, ऊपर से मूड खराब हुआ कि हमने पेट फुल जाना था और वो बंद था क्योंकि ना वो जो रोड है ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है इसलिए वो ना आ नहीं रही है बहुत दिनों से, तो इस वजह से वो बंद था, तो इसलिए भी थोड़ा मूड खराब हो गया हमारा। कोई नहीं, बट जब भी वो अभी स्टार्ट होगा तभी जाएंगे। अब तो आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट शोरमा के बारे में कि आपको वहाँ नहीं जाना है, अगर जाना है तो अपने रिस्क पे जाना है ना। अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी और स्पेशल आएगी, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।